तमाशा बना रखा है। एक तो मैं इमोशनल इतना ज्यादा हो गया, मैंने मशरूम का परफॉर्मेंस देखा, मेरे काबू में नहीं रहा। बहुत इमोशनल हो गया अनुराग जी, मैं मशरूम का परफॉर्मेंस देख के मुझे गले लगा लीजिए। बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया ना मैं, एक गले से कुछ होगा नहीं। और मेरी स्कर्ट से किसी चलो जब जब देखे तुझे बस मशरूम मशरूम ने क्या परफॉर्मेंस किया। ये गले लगा रहे थे कि गले पड़ रहे थे। एक मिनट मैं आपको बता दूं कि ये कौन है। कौन है भाई तू? बाबा आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं आपका सानी सानी। वैसे पापा आप कौन है? पापा मैं धर्मेंद्र सिंह नकली। बाबा हाँ, और मैं आपका बेटा बाबा सनी सिंह नकली। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हाँ तो बता बेटा आज तारीख क्या है? आज की तारीख मुझे क्यों पता होगी? तू ही मेरा अपना है। अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि हमारे जो जानकार हैं बड़े प्यारे मशहूर डॉक्टर जी, हमारे फैमिली डॉक्टर है वो लड़का, और वो पेंसिल का काम करता है, हमारा प्लम्बिंग वगैरह का काम करता है। इज अ गुड बॉय, तो मैं रिश्ता पक्का समझूं? गीता जी मैं आपको इस मशहूर गुलाटी का इतिहास बताता हूँ। ये मशहूर गुलाटी इतना सा था, फिर वो इतना हुआ, फिर इतना, फिर इतना, यही है उसका इतिहास। मैं आपको बम्पर का इतिहास बताता हूँ। बम्पर पहले इतनी चीजे पैदा हुई, फिर इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी। बम्पर के बारे में मैं एक भी बात सुनना नहीं चाहता हूँ। तो दो बातें सुन ले। अच्छा अनुराग जी मैं आपको बताने आया हूँ कि बम्पर आपसे बहुत प्यार करती है। मैं बम्पर के लिए आपका हाथ मांगने आया हूँ। हाथ नहीं तो हाथी मांग। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, दूध मांगोगे तो पनीर देंगे, दूध मांगोगे तो श्रीखंड देंगे। एक मिनट, दूध मांग रहे तो दूध क्यों नहीं देता? बाबा इन चीजों में क्या रखा है? क्या लेकर आए थे जो लेकर जाएंगे? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। टांग टांग तू मेरा बेटा नहीं हो सकता, हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला रहा डांस करके, डांस करके। आबा मैं यहाँ पे डांस करने नहीं आया हूँ, मैं तो अनुराग जी को बताने आया हूँ। अनुराग जी वहाँ पर बम्पर आपकी राह देख रही है। नहीं राह इनकी है, इनकी बर्फी है, गैंगस्टर है, मेटल है। ए, कहने का मतलब है बम्पर ने इनके नाम की मेहंदी लगाई हुई है। मेहंदी तो दिलेर जी ने भी लगाई हुई है, वो भी इनसे शादी कर ले फिर। अच्छा मैं ये कह रहा था धर्म जी, चुप कर मम्मा, मैं तेरा बना देना पजामा। फालतू बात कर रहा, फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता, चाहे ट्रंप हो या ओबामा। क्या बात है? ओ ये तो शेर बन गया। ऐसे बना रहे थे, मेरे को पता भी नहीं चलता अभी शेर बन गया। आपको डरना चाहिए बाबा, शेर बन गया, शेर कहीं आ गया और आप तो स्कर्ट में घूम रहे हैं। धर्म जी मैं ये कह रहा था कि अगर आपको शिल्पा जी से कोई काम है तो हमको बताइए, मैं हूँ ना। यार नहीं, हम अब डायरेक्ट बात कर रहे हैं। शिल्पा जी डॉक्टर मशहूर गुलाटी का रिश्ता मैं पक्का समझूं? हाँ हाँ पक्का समझ लीजिए, गीता के साथ। चलो शगुन की थाली पिछवाते हैं हम।
आप शगुन की थाली भिजवाएं उससे पहले रियली सॉरी मेरे को इतनी देर से अंदर से भेज आ रहा है कि आप दोनों अभी भी आए बाहर। हाँ जी गाड़ी आपकी बार जो खड़ी हो। हाँ हमारी खड़ी है, हमारा बंगला भी खड़ा है, तू भी मेन सर तू भी बना लेगा। उसमें क्या है? मेरे कहने का मतलब था कि वो खड़ी है, नो पार्किंग में खड़ी है। नो पार्किंग नहीं, हमारी 12 पार्किंग में खड़ी होती है गाड़ियाँ। मतलब गाड़ियाँ 12 जी, वो तो कई बार इसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। मेरी वजह से क्यों बाबा? मैं तेरा फेवरेट गाना कौन सा है? वो मैं निकला गाड़ी लेके सड़क पे, मोड़ आया मैं गाड़ी उसे छोड़ाया। हाँ। ये भाई साहब हर मोड़ पे गाड़ी छोड़ाता है। हमें हमारी जिंदगी खराब हो गई है इसकी वजह से। हमारे पास 12 गाड़ियां हैं फिर भी हमको लिफ्ट लेके जाना पड़ता है। लेकिन देखिए आप दोनों ने जितनी अर्जियां लगानी थी अब लगा दी। अब हमारा जो है ना यहाँ पर अब माहौल ऐसा हो गया कि हमें इस वक्त मशहूर गुलाटी और बंपर की जरूरत है, तो आपकी सिफारिश से कुछ नहीं होगा। आप जरा जाएं उनको वापस भेजें, हम उनसे रिश्ते की बात कर लेंगे। आपकी बात तो फिर मैं रिश्ता पकड़ समझूं। एंजी सर मेरी तो हो गई है सर। कोई बात नहीं, ऐसा क्या दिल साफ होना चाहिए, उसमें क्या फर्क पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं अनुराग जी, ये बम्पर अच्छी लड़की है, याद रखिएगा। बम्पर के साथ मैं रिश्ता पक्का समझो।